जिससे पढ़कर बीस हजार से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत दो हजार बाईस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एस एस सी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है दो हजार तेईस चौबीस में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है बीस हजार ज्यादा बच्चों की जिंदगी तो अब है आपकी बारी अब आइए सी जी डी दो हजार बाईस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र तीन सौ निन्यानवे रूपए में तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करे एस एस सी मेकर का फौजी बैच और करे एस एस सी जी डी में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस एस मेकर पर गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके याद रखिएगा ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी एस एस के लिए यहाँ पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर करने वाले हैं तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा जो कुछ भी नया आपको मिले उसे लिख लीजिएगा जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो और याद रखिएगा जो मैं लिखाऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोबारा रिपीट हो है ना याद रखना जो मैं लिखाऊंगा वो जरूरी नहीं है कि दोबारा रिपीट हो इसके लिए मेरा अनुरोध है सभी से कि जब मैं लिखाऊं तो लिख जरूर लेना अगर कुछ छूट जाए तो वापस से क्लास को दोबारा से रिपीट करके देखकर लिख लेना पर लिखना जरूर ठीक आवाज क्लियर है आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर नहीं है तो मुझे एक बार बता दो फिर हम क्लास को शुरू करते हैं कृतिका गुप्ता हार्दिक ओम प्रकाश मुकेश अयान पॉपी सोनू साक्षी रोहित लक्ष्य हीर आनंद पारा सुमित अन रेणु रूहू मुकेश विक्रम ये किसने खोल रखा है ठीक है ठीक है छाया गुरविंदर राजेश टेंगो अंजू अविनाश साक्षी चंचल अश्वनी निशा अवंतिका अभि विशाल किशोर शाहजहां ललिता चलिए सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है आपका जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण होता या होती है क्या मतलब किसके कारण होता है होती है मैंने नीचे लिखवा भी रखा है कि किस वर्ष का ये क्वेश्चन है है ना जिससे कि आपको इतना ना रहे कि पता नहीं क्वेश्चन आया है या नहीं क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट भी होता है कि पता नहीं मास्टर जो क्वेश्चन करा रहा है वो आए भी है कि नहीं तो मैंने आज आपकी तसली के लिए लिखवा दिया कि नहीं भाई आए हुए ठीक है जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है या होती है वो पूछ रहा है वायुदा संरक्षण वर्षा या ग्लोबल वार्मिंग बताओ जरा क्या होगा कौशल ठीक बहुत अच्छे क्या हो जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा तो उससे होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाए वातावरण में तो उससे जो होता है वो होती है ग्लोबल वार्मिंग ये याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है आपका वैश्विक तापमान बढ़ जाता है क्या हो जाता है इसका मतलब है आपका जो वैश्विक तापमान है ना वो बढ़ जाता है और इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपका जो अंतिम जो सम्मेलन है वो हुआ है पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था ना जलवायु को लेकर वो हुआ था याद रखना अब यहां पर मैं जो आपको बताने वाला हूं ये आपको ध्यान रखना है जो मैं अब बताऊंगा वो क्या है आपसे कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लेता है कि मानव निर्मित कारण बताइए और प्राकृतिक कारण बताइए किसके कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के या फिर यह कि ग्लोबल वार्मिंग के ठीक है तो मानव निर्मित कारण कौन कौन से हैं एक मिनट रुकना है ना डिस्टर्ब कर करना है एक मिनट बस तो अगर मैं बात करूं मानव निर्मित कारण के तो याद रखिएगा जैसे वन कटाई अगर आप वनों की कटाई अधिक करेंगे तो उससे क्या होगा उससे जो है आ, जब बन कटेंगे तो जाहिर सी बात है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, को अवशोषित कौन करेगा नहीं मालूम है ना इसके अलावा अगर मैं बात करूं वाहनों का उपयोग अगर आप करोगे तो क्या होगा वाहनों का उपयोग अगर आप करोगे तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी है ना जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये भी है ना और जो अधिक जनसंख्या याद रखना अगर ऑप्शन में अधिक जनसंख्या लिखकर आता है क्या अधिक जनसंख्या अगर लिखकर आता है तो याद रखना यह कारण है मानव निर्मित कारण है किसका कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का किसका कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का मानव निर्मित कारण है याद रखिएगा ठीक है अच्छा अगर प्राकृतिक कारण की मैं बात करूं किसकी अगर मैं बात करूं प्राकृतिक कारण की तो याद रखिएगा जैसे ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी फटता है ना तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है है ना जलबाष्प भी निकलती है और जलबाष्प भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का कारण है और जो वन में जो आग लगती है तो उन्हें बोलते हैं वन ज्वालाएं है। ये क्या है ये प्राकृतिक कारण है क्या है ये है प्राकृतिक कारण तो ये याद रखिएगा ठीक है याद रखोगे कोई दिक्कत किसी को इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है आगे देखो गांधी जी ने द ब्लैंक्स में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर सत्याग्रह का आयोजन किया था 1918 में किया 1915 में किया उन्नीस में किया या 1921 में किया गांधी जी हेड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अलोंग विद कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद इन द ईयर 1918 15 1929 और 1921 गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था बेसिकली उन्होंने क्या किया था भूख हड़ताल की थी उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर तो यो अहमदाबाद का आंदोलन है यह कब हुआ है वो पूछ रहा है बताओ जरा कब हुआ ठीक बढ़िया आसिफ ललिता सपना एक बात और बता दूं इससे पहले की क्लासेस उससे पहले मैंने तीस क्लासेस करा रही हैं और मैं अब जो करा रहा हूं मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ध्यान से सुनो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बच्चा कोई क्लास मिस करे अगर आपको जीडी में वाकई में सिलेक्शन लेना है तो इन क्लासेस को जो मैं करा रहा हूं उसे अच्छे से देखना उसको जो मैं बता रहा हूं उसे लिख अच्छे से लेना तो याद रखिएगा यह कब हुआ था यह हुआ था आपका 1918 में प्रॉब्लम क्या थी दिक्कत यह थी कि जो श्रमिक थे ना वो जो जैसे मिल मालिक थे है ना जो फैक्ट्री के मालिक थे ना मिल मालिक जो थे इनसे श्रमिकों ने यह कहा था कि हमें वेतन में पचास परसेंट की वृद्धि चाहिए कितनी पचास परसेंट की वृद्धि चाहिए वेतन में ठीक है मिल मालिक कह रहे थे कि नहीं हम सिर्फ बीस परसेंट की वृद्धि देंगे है ना कितनी हम सिर्फ बीस परसेंट की वृद्धि देंगे ठीक तो गांधी जी जो है इन श्रमिकों के साथ मिलकर इन्होंने भूख हड़ताल की ताकि जो है श्रमिकों को उनका हक मिल सके बाद में जब समझौता हुआ तो यह हुआ कि 35 प्रतिशत का जो हाइक है या वेतन वृद्धि को मिला कितना 35 प्रतिशत जो वेतन वृद्धि है वो श्रमिकों को मिला हड़ताल के बाद ठीक है तो इतना याद रखना अब यहां पर क्या पूछ सकता है वो ध्यान दो पहली बात अहमदाबाद जब जो है आंदोलन वो कब हुआ उन्नीस में किसने किया गांधी जी ने किसके साथ श्रमिकों के साथ क्या इसमें भूख हड़ताल थी तो हां इसमें भूख हड़ताल थी श्रमिकों की मांग कितने प्रतिशत को लेकर थी कि श्रमिक चाहते थे कि 50 परसेंट का हाइक हो कितना श्रमिक चाहते थे कि 50 परसेंट का हाइक को मिल मालिक क्या कह रहे थे कि हम 20 परसेंट देंगे हड़ताल के बाद कितनी हो गई 35 परसेंट ठीक है तो जो पूछ सकता वो है वो ये कि हड़ताल के बाद कितनी वेतन वृद्धि हुई पूछा तो अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा अगर वो नहीं चाहता एग्जामिनर कि तुम एस एस का एग्जाम पास करो अगर वो नहीं चाह रहा तो वो ये पूछेगा ठीक है तो याद रखना अब मुझे लगता है वो चाहता ही नहीं है आगे देखो निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरस जल डमरू मध्य स्थित है प्रशांत महासागर एटलांटिक महासागर आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर इन बिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन इनमें से कहां पर टोरस जलडमरू मध्य जो है वो स्थित है देखो तो टोरस जलडमरू मध्य में दिखाता हूँ आपको इमेज में ध्यान दो एक बार चाहिए आगे नहीं। हाँ, इसे देखो सबसे पहले जो देखना है ना वो ये देखो ये क्या है ये ऑस्ट्रेलिया है क्या है ये है ऑस्ट्रेलिया और फिर ऊपर ये जो इंडोनेशिया वगैरह वाला क्षेत्र है ना एशिया वाला जो क्षेत्र है जो दक्षिण पूर्व एशिया में आता है ये दक्षिण पूर्व एशिया है ये ऑस्ट्रेलिया है ये याद रखना ठीक है तो ये ऑस्ट्रेलिया है इसका केप जो ऑस्ट्रेलिया का है और ये है पूरा आपका दक्षिण पूर्व एशिया इसके बीच में आता है टोरस स्टेट आइलैंड क्या टोरस स्टेट आइलैंड और यहीं पर है टोरस स्ट्रेट क्या हो जाएगा टोरस स्ट्रेट याद रखोगे कई बार पूछा है 2021 में ये रिप आया है इसके बाद भी आया है। जब मैं बाईस तेईस का भी क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है तुमको दोबारा से देखने को मिले ये है ना लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना याद रखोगे ना चलो बहुत अच्छे और जो ऑस्ट्रेलिया है वो किस महासागर में है एटलांटिक में ऑस्ट्रेलिया कब से पहुंच गया तुक्का मारो पर ऐसा तो मत मारो कि पकड़े जाओ कहा तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये यहां यहां चिपका देता हूं ये ठीक है कहां पर है ये मिलेगा आपको प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से पर उत्तरी हिस्से पर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में मिलेगा आपको टॉरस जल डमरू मध्य क्या मिलेगा टॉरिस जल डमरू मध्य रखोगे चलो बहुत अच्छा आगे देखो निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी एक कविता लिखी है हस्त बहिस्त यानी कि हस्त बहिस्त के रचनाकार कौन है यह पूछ रहा है ठीक है चंद्र बरदाई आगा हसन अमानत हरिशेण और अमीर खुसरो हु अमोंग द फॉलोइंग द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु रोड द फेमस पोएट हस्त बहिस्त चंद्र बरदाई आगा हसन अमानत हरिशेण और अमीर खुसरो बताओ जरा क्या हो जाएगा ठीक उम्मीद है आपका सही हो ठीक अरे तुम अभी भी फाइनल पे अटके हुए हो तुम अभी भी फाइनल पे अटके हुए यहां प्रॉब्लम कितनी ज्यादा क्रिएट हो गई है टोहरा जल्द जल्द संधि पूछ लिया एग्जामिनर ने तुमको अभी भी फाइनल ही पड़ी हुई है ठीक क्या हो जाएगा तो याद रखना इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका अमीर खुसरो याद रखना अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भी कहा जाता है क्या बोलते हैं तूती ए हिंद जो है इसको कहते हैं याद रखिएगा यही कब्बाली के जनक भी हैं क्या है कब्बाली के जनक हैं उर्दू के जनक जिसे हिंदी भी बोलते हैं है ना उर्दू के जनक इन्हीं को कहा जाता है तबला के जनक इन्हें कहते हैं सितार के जनक भी यही है, ठीक है? खड़ी बोली में योगदान भी इन्होंने ही दिया था ठीक है किसी को कंफ्यूजन हो गई चलो दूर कर देते हैं एक कंफ्यूजन है जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तो 1901 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में कैसे शामिल हुए प्रभु 1915 में परमानेंट आ गए है ना उसके बाद वो गए ही नहीं 1901 में वो भारत आए आ, गोपाल गोखले ने बुलाया था तो वो भारत आए आने के बाद कुछ दिन रुके और फिर वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए है ना तो वो भारत वापस बसने के लिए नहीं आए भारत में बसने के लिए वो 1915 में लौट के आए और 1915 के बाद वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए समझ रहे हो कहने का मतलब वो है है ना जैसे मान लो मैं हूं मैं अपने घर से निकला हुआ हूं बाहर की ओर ठीक है जब भी जितना भी टाइम मुझे आ, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है मैं यहाँ से घर लौट के जाऊं और वापस आ जाता हूं तो इसका मतलब थोड़ा तो मैं पहले लौट तो, तो जब गांधी जी 1901 में, थे, उसके बाद थे। पर 1915 में जब आए उसके बाद वो वापस नहीं लौटे थे ठीक है ये याद रखना अमीर खुसरो के बारे में याद रखिएगा इन्हें एक नाम से और बुलाया जाता है और वो है भारत की आवाज क्या है एक नाम से और बुलाते हैं और वो है भारत की आवाज ये याद रखना इनकी बुक किन किन बच्चों को पता है जरा बताओगे एक कहीं कोने पर जरूर लिख लेना ये जरूर पूछेगा हस्त बहिस्त कोने पर जरूर लिख लेना जरूर पूछेगा याद रखना पहले जब तक मैं इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं नहीं बता रहा ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा और कमेंट नहीं चाहिए मुझे कि आगे बढ़ो समझ में आ रहा पढ़ाई पर ध्यान दे लो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं मैं चाह रहा हूं तुमको सारे क्वेश्चन क्लास से मिल जाए तुमको बाहर नहीं भटकना पड़े और तुमको बाहर भटकना है तो ऐसा करो क्लास से भागो जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 1.5 की स्पीड पर देख लेना तुम्हारा टाइम बच जाएगा तुमको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन चाहिए तो सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ सकते हो अगर तुमको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो शांति तो से मुंह बंद करके कान आंख और हाथ में कलम लेके बैठो ठीक है समझ में आ रहा है चंद्रवरदा याद रखेगा इनकी एक बुक है जरा बताओगे क्या है और हरिशे याद रखिएगा इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखी है क्या लिखी है प्रयाग प्रशस्ति जो है ये इन्होंने लिखी है ये याद रखना प्रीमेसर के क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है आगे देखो एन एरा ऑफ डार्कनेक्स द ब्रिटिश एंपायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है शशि थरूर मीरा नायर चेतन भगत और अरुण जेटली ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक इनमें से है कौन वो आपको बताना है ठीक है देखो नूर सिपिहर या नूह सिपिहर ये बुक है किसकी आ, अमीर खुसरो की लैला मजनू उन्हीं की है ठीक है तुगलकनामा उन्हीं की है आ, इसके अलावा आ, आसिका उन्हीं की बुक है चंद्र की चंद्र की है पृथ्वीराज रासो जो वरदाई है उनकी है पृथ्वी रासो, ये याद रखना ठीक है चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा जो एन एरा ऑफ डार्कनेस है ये बुक है शशि थरूर की किसकी है ये बुक है शशि थरूर की ये याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये कि जो शशि थरूर है इनकी एक है ग्लोरियस एम्पायर इनकी बुक लिख लो बहुत पूछी जाती है ग्लोरियस एम्पायर क्या है इनकी एक बुक है जिसका नाम है ग्लोरियस एम्पायर इसके अलावा इनकी एक बुक आपको जो याद रखनी है वो है द ग्रेट इंडियन नोवेल क्या है द ग्रेट इंडियन नोवेल मैं पहले ही बता रहा हूं ये किताब मैं दोबारा नहीं लिखाने वाला आज ही लिखा रहा हूं आज के बाद नहीं लिखाऊंगा याद रखना ठीक है इसके अलावा एक है इनकी वाई आई एम हिंदू वाई आई एम आ हिंदू जब तक आपका एग्जाम होगा दोबारा ये किताबें आपको देखने को नहीं मिलेंगी लिख लेना ऐसे शांति से ठीक है इसके अलावा इनकी है एक आ, पोस्ट इंडिका क्या है नहीं पैक्स इंडिका क्या है एक है इनकी पैक्स इंडिका ये एक बुक है किसकी शशि थरूर की इनकी एक बुक और जो आपको लिखनी है वो कौन सी है वो है राइट अ लव स्टोरी राइट अ लव स्टोरी बहुत टाइम दे रहा हूं मैं लिखने के लिए साथ के साथ में तो इसे शांति से लिख लो ठीक है सुनने के साथ साथ ठीक मीरा नायर की बुक कौन कौन सी है तो याद रखना इनकी एक हो जाएगी माया सेब्स द डे माया सेब्स द डे और एक बुक इनकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका माया इन अस माया इन अ मैस ठीक अरुण जेटली की बुक कौन सी है तो याद रखना जो अरुण जेटली हैं इनकी एक बुक है जिसका नाम है अ न्यू इंडिया ठीक अ सिलेक्टेड राइटिंग 2014 2014 टू 2016 ये है इनकी बुक चेतन भगत की बुक कौन सी है इनमें जितने भी राइटर आप देख रहे हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है जितने भी राइटर आप यहां देख रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं तो लिखो ठीक है चेतन भगत के बारे में याद रखना फाइव पॉइंट संबंध फाइव पॉइंट संबंध ठीक है और हाफ गर्लफ्रेंड आपको याद ही है एक वन इंडियन गर्ल इन्हीं की है ठीक है इसके अलावा याद रखिएगा रेवोल्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी कौन सी रेवोल्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी ये इनकी बुक है और एक बुक और जो आपको इनकी याद रखनी है और वो कौन सी है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये और इनकी बुक है तो ये याद रखना ठीक है आगे देखो वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी इनमें से कौन सा राज्य करता है हर वर्ष एक मेला लगता है जिसका नाम है सूरज कुंड शिल्प मेला जिसका नाम क्या है जिसका नाम है सूरज कुंड शिल्प मेला वह मेले का उस मेले का आयोजन कौन करता है वो बताओ ठीक बहुत अच्छे उसमें समझना नहीं है किताबों के नाम है तो उन किताबों के नाम को लिख लेना है ठीक है तुमको ये समझ में नहीं आया क्या सीरियसली समझ में नहीं आया इग्नियस एम्पायर द ग्रेट इंडियन नोवेल वाई आई एम हिंदू पैक्स इंडिका फाइव पॉइंट रेवोल्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग टू थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड सिक्सटीन इतनी बात समझ में नहीं आई यही प्रॉब्लम है तुम्हारी तुमको पता क्या चाहिए तुमको चाहिए क्वेश्चन और उसका आंसर और फर्स आगे और कुछ नहीं तभी प्रॉब्लम है तभी एग्जाम के साथ समस्या क्यों एग्जाम नहीं निकल रहा उसका कारण ही है अच्छा वार्षिक मेला है आ, पूछ रहा है इसकी मेजबानी कौन करता है तो हरियाणा करता है हरियाणा में और भी मेले लगते हैं और वो कौन कौन से जैसे एक है आपका गुग्गा नौमी कौन सा एक याद रखना एक मेले का नाम है गुग्गा नौमी ठीक इसके अलावा एक मेला लगता है यहां पर कार्तिक मेला कौन सा एक लगता है कार्तिक मेला इसके अलावा एक है आपका मैंगो मेला दोनों याद रखना मैंगो मेला जरूर याद रख लेना ठीक है हिमाचल प्रदेश में लगता है नैना देवी मेला कौन सा नैना देवी मेला कौन सा लगता है जो हिमाचल प्रदेश है यहां पर लगता है नैना देवी मेला यह याद रखिएगा इसके अलावा है कुल्लू दशहरा एक मेला लगता है यहां पर कुल्लू दशहरा ठीक है क्या लगता है एक लगता है आपका कुल्लू दशहरा और एक लगता है रेणुका मेला क्या लगता है एक लगता है रेणुका मेला अच्छा एक बात बताओ एक मूवी है थ्री इडियट है ना एक मूवी है जिसका नाम है थ्री इडियट जरा मुझे कमेंट में लिखकर बताओ कि जो थ्री इडियट मूवी है वो किस नोवेल पर है थ्री इडियट मूवी है ना वो किस पर है वो बताना ठीक बढ़िया अब तो बच्चे लिखा है तो लिखा हुआ है अब लिख के आएगा तो हर साल आ, हर म, दिन लिख के ही आएगा अब वो हटेगा नहीं <laughs> समझ रहा हूं अब नहीं हट रहा हो ठीक याद रखना अच्छा उत्तराखंड में मेला कौन से लगते हैं तो उत्तराखंड में एक याद रखिएगा एक मेला लगता है बोरानी मेला ठीक है हो सकता है इसका नाम कुछ और भी हो अंग्रेजी से मैंने हिंदी में लिया है तो हो सकता है ये लिखा हुआ है एक है चैती मेला और एक याद रखिएगा चंद्रबदनी मेला कौन सा चंद्र बदनी मेला ये याद रखिएगा ठीक है उत्तर प्रदेश में लगता है माघ मेला रथ मेला माघ मेला रथ मेला ये सब लिख लो ये सब आ जाएगा आपके एग्जाम में अगर आया मतलब कोई मिला के अगर आप एक भी नंबर नहीं चाहते कि आपका एक भी नंबर कटे तो लिख लो गौ चरण मेला और नहीं भी लिखोगे तब भी याद तो रहेगा ही तो मैं ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं ये क्या है ये हो जाएगा आपका राज्य और उसमें आने वाले जो मेले हैं जो आपके लिए जरूरी है ठीक टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां हुई थी? जो टेबल टेनिस है इसकी उत्पत्ति हुई इंग्लैंड, जापान, चीन और भारत। ठीक है। कहां पर है? पता, table tennis को पहले किस नाम से जानते थे जो टेबल टेनिस है उसको पहले किस नाम से जानते थे नहीं फाइव पॉइंट नहीं है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माइ लाइफ है ठीक टेबल टेनिस को पहले कहते थे पिंग पोंग है ना इसका पहले नाम था पिंग पोंग <laughs> पता है 1921-1922 से पिंग को टेबल टेनिस बोलते हैं 1921-1922 से इसको टेबल टेनिस कहा जाता है इससे पहले इसको पिंग पोंग कहते थे ठीक यह याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है यह याद रखिएगा ठीक है आ, याद रखिएगा बाद में इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जो संगठन वगैरह है ना वो बनाए गए तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसका जो बनाया गया है आपका 1926 में जिसका नाम है आई इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसे हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ क्या कहेंगे इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ठीक है ये याद रखना याद रखोगे नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं चाइना नहीं है भाई इंग्लैंड बात समझ में आ गई अगर आ गई तो थम्सअप वगैरह कर दो जिससे कि मेरे को यह समझ में आए कि तुमको समझ में आ रहा है क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है क्योंकि कल से या सॉरी आज से क्लास ऐसे ही चलेंगी जितना एक्स्ट्रा मैं बता सकूं क्योंकि मेरे को इतना सच में है कि मैं आपको लास्ट तक हर क्वेश्चन तो नहीं करा सकता है ना तो क्यों ना एक्सप्लेनेशन में मैं आपको जादे से ज्यादा देकर चला जाऊं जिससे कि जब एग्जाम हो उससे पहले आपकी खोपड़ी में इतना जो है होना चाहिए कि आप एग्जाम अच्छे से पास कराओ और एग्जाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको ना हो इतना आप कर लो और इतना ही मेरा उद्देश्य इतना ही मुझे कराना भी है ठीक है चलो आगे देखें भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं यातायात को फिर से शुरू करने के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच दो दोहरे कराधान से बचने के लिए जो समझौता हुआ है या भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई सेवाओं से संबंधित जो समझौता हुआ है च ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज नेहरू लियाकत एग्रीमेंट नेहरू लियाकत एग्रीमेंट इनमें से किस एक को कहते हैं या इनमें से किस एक से वह संबंधित है ठीक है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग रिजम्पन ऑफ रेल ट्रैफिक एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू अवॉइड डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट रिलेटेड टू एयर सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो जो नेहरू लिया का समझौता है वो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो बताता है कि अच्छा हाँ ये नेहरू लिया का समझौता है बताओ जरा कौन सा हो जाएगा क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है ना उसे कहते हैं नेहरू लियाकत समझौता ठीक है क्या बोलेंगे नेहरू लिया का समझौता बोलेंगे और जो नेहरू लियाकत समझौता है ये कब हुआ है तो याद रखना ये हुआ है 1900 सौ अच्छा बार बताओ कि नेहरू लिया का समझौता कब हुआ है 1950 में हुआ है हाँ 1950 पचास में हुआ है यह नेहरू लियाकत समझौता इसमें क्या क्या था इसमें यह था कि जो जैसे जब विभाजन हुआ ना तो जब लोग यहां से वहां चले गए और वहां से यहां आ गए तो उनकी संपत्ति यही छूट गई घर बाकी सब चीजें है ना तो इस समझौते के तहत यह था कि वो फ्रीली आ सकेंगे अपनी संपत्ति का को बेच वगैरह के वापस जा सकेंगे ये उन्हें अधिकार मिलेगा जब समझो बंटवारा हुआ तो वहां दिक्कत ये हुई कि महिला वगैरह का अपहरण बहुत हुआ दुखद है मतलब क्या ही याद करें उसे है ना तो अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें वापस करना यह भी उसी में था है ना तो ये कुछ समझौते हुए थे उसमें ये भी समझौता हुआ था कि जो अल्पसंख्यक है आपके यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा और उनको उन्नति के अवसर आप प्रदान करेंगे हमारे यहां जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा और उनको उन्नति के अवसर हम प्रदान करेंगे हमने तो वो काम कर लिया उनसे ना हुआ ठीक है अच्छा सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है पच्चीस बीस दस और पंद्रह अकॉर्डिंग टू द इंडस रिवर ट्रीटी हाउ मच वाटर कैन इंडिया यूज फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम पूछ रहा है इंडस रिवर सिस्टम का कितना प्रतिशत पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है इंडस रिवर सिस्टम का कितना पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है वो पूछ रहा है हाँ ठीक कितना कर सकता है बीस प्रतिशत कर सकता है इस संधि के तहत भारत के कंट्रोल में कौन कौन सी नदियां तो याद रखिएगा भारत के पक्ष में या भारत के कंट्रोल में जो नदियां हैं वो है आपकी व्यास रावी और सतलज ठीक है अगर पाक के कंट्रोल की बात की जाए तो पाक के कंट्रोल में है सिंधु कौन सी सिंधु और इसे साइलेंट करना रहेगा चेनाब और झेलम और झेलम ये क्या है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है किसके ये हैं पाकिस्तान के कंट्रोल में ये याद रखिएगा ठीक है अच्छा एक बात और ये जो संधि है इसकी मध्यस्थता किसने की थी पूछ लेता कि जो सिंधु नदी समझौता है इसकी मध्यस्थता किसने की थी तो याद रखना इसकी मध्यस्थता की थी पश, आ, वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल नहीं है याद रखना वर्ल्ड बैंक है इसकी मध्यस्थता किसने की थी इसकी मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने ठीक है तो ये याद रखिएगा अच्छा इसके अलावा आपको याद रखना है ये ये कि किन किन के बीच में हुआ था तो ये हुआ था नेहरू और अयूब खान नेहरू और अयूब खान के मध्य में जो है ये समझौता हुआ है तो ये याद रखना बात समझ में आ गई अरे टेबल टेनिस इंग्लैंड का है टेंशन ना लो एसएससी जीडी ने उसका आंसर इंग्लैंड ही माना है 2021 का 2021 में उसका आंसर एस एस ने इंग्लैंड माना है ठीक है ठीक अरे नहीं है सुनाई नहीं दे रहा क्या चलो आगे देखो किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है जीडीपी आईएमआर बैट आई एम आर बैट और जीएसटी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन आ कंट्री कॉल्ड एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनको क्या कहा जाता है वो पूछ रहा है ठीक बताओ जरा क्या कहते बढ़िया सही ठीक है इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं जीडीपी। एक देश के भीतर एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो या सेवाओं का उत्पादन हो उसे जीडीपी में काउंट किया जाता है किसमें काउंट किया जाता है जीडीपी में उसे काउंट किया जाता है यह याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा याद रखिएगा क्या इसके अलावा जीएसटी को लेकर याद रखिएगा यह इनडायरेक्ट टैक्स है और भारत में कब लागू हुआ है बताओ जरा भारत में लागू कब हुआ है ये इसके अलावा हमने कौन सा मॉडल लिया है हमने कौन सा मॉडल लिया है ये आपको बताना है इसके अलावा आपको बताना है कि जो जीएसटी है वो भारत में सबसे पहले किस राज्य ने अपने यहां पर लागू कराया या पास कराया था वो आपको बताना है ठीक है कितने प्रकार के जीएसटी हैं वो आपको कमेंट में लिखकर बताने आगे देखो ताजमहल आगरा शहर में फिलिंदा नदी के तट पर स्थित है घाघरा चंबल गंगा यमुना ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ फिलिंदा रिवर इन आगरा सिटी आगरा सिटी में इनमें से कौन सी एक बैंक है जिसके किनारे ताजमहल बसा मतलब आगरा शहर का जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे बैंक मतलब होता है किनारा उसके बसा है वो आपको बताना है, ठीक देखो एक जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था हमने कैनेडियन मॉडल को अपनाया है तीन तरह के जीएसटी है।, है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी एक है आपका सेंट्रल जीएसटी और एक है आपका स्टेट जीएसटी ठीक है ये याद रखना जीएसटी को लेकर 279 ए में जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है तो वो भी याद रखना किसका जीएसटी काउंसिल का गठन भी किया गया है ठीक है आगरा शहर अच्छा एक बात बताओ आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है अगर क्वेश्चन पूछा जाए आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है राजू तो किस नदी के किनारे बसा है तो याद रखना यह बसा है यमुना नदी के किनारे किसके जो आगरा है यह बसा है आपके यमुना नदी के किनारे ये याद रखना अच्छा यमुना के किनारे कौन 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 से शहर बसे जरा बताओगे यमुना के किनारे शहर कौन कौन से बसे हैं जैसे ये नोएडा जो है ना ये यमुना के किनारे ही है दिल्ली यमुना के किनारे है। इन दोनों के अलावा और कुछ है इन दोनों के अलावा और भी कुछ है तो बता दो ठीक ध्यान से सुनो अगली बार नहीं कहूंगा और अगर इसके बाद इस तरह का कमेंट किसी ने किया तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा टेबल टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है 1880 के दशक में 1921 तक उसे पिंग पोंग कहते थे उसके बाद से उसे टेबल टेनिस कहते हैं 1926 में एक इंटरनेशनल फेडरेशन बना है जिसे बोलते इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में जो है क्रिकेट का उद्भव हुआ है तो कोई और या किसी और जो खेल है उसका उद्भव वहां नहीं हो सकता ठीक है ध्यान से सुनो समझ में आया मथुरा यमुना जो नदी है उसके किनारे है ठीक चंबल के किनारे कौन कौन से शहर हैं तो याद रखिएगा कोटा पूछा जाता है ये ग्वालियर क्या कोटा ग्वालियर और धौलपुर कोटा ग्वालियर और धौलपुर ये याद रखना घाघरा नदी के किनारे कौन कौन से हैं तो याद रखना एक हो जाएगा गोंडा ठीक है घाघरा नदी के किनारे है गोरखपुर संत कबीर नगर है ना है ना कौन सा संत कबीर नगर एक है लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी कहां का है घाघरा का है कहां का घाघरा के किनारे बसे हुए हैं ठीक है आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है मणिपुर कुचिपुड़ी, उड़ीसी या आपका बुरा कथा या फिर लिखा आ सकता है आपका बुरा कथा याद रखना बुरा कथा या आपका आ सक या बुरा कथा ठीक है ये मणिपुरी मणिपुरी कुचिपुड़ी ओडिसी और बुर्रा कथा इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है वो बताना है अफसर संदीप जख्मी अरे क्या ही बता दू तुमको जख्म कितने लगे हैं तुम्हें अनु रक्षक बॉबी अच्छा संदीप नीलम किरण डोली पहाड़ी सुशीला ठीक है प्रिया धीरेंद्र, रावत सौरभ उमेश पंकज राजू ठीक अंशु हरिहर महादेव चलिए बढ़िया ठीक खुशबू अंजु सोनू ठीक है है ना ध्यान दो जा रहा पूछ रहा है इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है अच्छा एक बात बताओ भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपको बताना बताओ इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी बुर्रा कथा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है बल्कि क्या है तो याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश का पहली बात तो यह याद रखना कहां का है आंध्र प्रदेश क्योंकि पूछ सकता है कहां का है आंध्र प्रदेश का ठीक है और यह क्या है तो याद रखिएगा एक मतलब जैसे कोई कहानी नहीं गीत के रूप में बताते हैं वो है जैसे कोई कहानी है उसको गीत के रूप में बताते हैं। जैसे आपने अपने जो गली मोहल्ले में या जो अपना क्षेत्र होता है ना वहां पर कुछ कहानियां होती है जैसे स्पेशली राजस्थान में है ना तो जो भी बहादुरी की कहानियां ना उनको गीत में बोलते हैं वही है ये है ना जैसे महाभारत की कहानी आप गीत में बोल हैं तो ये है गाथा गीत नाटकीय रूप है ना कहने का मतलब ये है कि नाटक करते हैं और उस नाटक पर एक्ट करते हैं साथ में जो गाना है वो बज रहा होता है और जो गाना है वो किसी कथा को रिप्रेजेंट करता है किसी कथा को रिप्रेजेंट करते हुए नाटक करना यह है बुर्रा कथा और यह आंध्र प्रदेश का है ठीक है मणिपुरी मणिपुर का है मणिपुर के दो और नाम है वो बता दो मणिपुरी नृत्य के दो शैलियां हैं या इसे हम दो और नाम कहते हैं वो क्या है वो बता दो कुचिपुड़ी कहां का है तो याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश का है उड़ीसी उड़ीसा का है ठीक है इसके अलावा आपका रह गया सत्रिया कहां का है बता दो ठीक है इसके अलावा आपका रह गया कथक कहां का है बताओ ठीक इसके अलावा रहा आपका कथकली ठीक मोहिनी अट्टम और आपका भरतनाट्यम और भरतनाट्यम दो चार पांच पांच ये तीन वो टोटल आठ शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने टोटल आठ जोंगोई और चेलम देखो जीडी में बहुत मतलब फेवरेट है याद रखना इसकी दो नृत्य शैली सेल, है एक है जोंगोई कई बार पूछ लेता है जो जोंगोई है वो कहां का लोक शास्त्रीय नृत्य है और एक बार पूछ लेता है एक दो बार कि चेलम जो है ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है तो याद रखना मणिपुर का मणिपुर के दो अन्य नाम है वो मणिपुरी के दो अन्य नाम है वो तो ये याद रखना ठीक राइबो का दूसरा नाम क्या है बी टू डी ए और सी वाट इज द अदर नेम ऑफ रायबो फ्लेमिन जो फिलेमिन है इसका एक और नाम क्या है वो आपको बताना है ठीक कालवेलिया राजस्थान का है लोक नृत्य कालवेलिया राजस्थान का है लेकिन लोक नृत्य सत्रिया आसाम का है इसके प्रवर्तक कौन है बताओ कथक उत्तर प्रदेश का है जो कि मुगलों के समय पर बहुत ज्यादा प्रचलन में था ठीक है कथक कली जो है ये आ, केरल का है मोहिनी अट्टम केरल का है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है एक क्वेश्चन एम में पूछा गया था कि कत्थक मतलब क्या या कथक जो शब्द है वो किससे निकला है तो याद रखना कत्थक शब्द जो है वो कथा से निकला है किससे कथा ये क्वेश्चन आपके एम में है और मुझे उम्मीद है कि इस बार के जी में भी यह क्वेश्चन पूछेगा कि जो कत्थक है यह किससे निकला है चांस है पूछ लेगा और मुझे लगता है पूछे किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा यकीन किसी ना किसी शिफ्ट की एस एस सी की किसी ना किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन होगा कथक जो है वो किस नृत्य से आ, क्या मतलब कथक शब्द जो है वो किस से बना है वो बना इस तरह का क्वेश्चन ठीक है राइवो फिलेमिन जो है इसका दूसरा नाम क्या अन्य नाम क्या है इसका तो ये हो जाएगा आपका विटामिन बी टू है ना बेसिकली विटामिन बी टू जो है इसका रासायनिक नाम है ये क्या है ये है इसका रासायनिक नाम समझ में आया मेरे आज की बच्चे पढ़ने तो आते नहीं उनको बस आनंद चाहिए क्लास में अगर आनंद आ रहा है तो ठीक है वरना नमस्ते वाला कार्यक्रम है उनका ठीक है अच्छा विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो इसका एक रासायनिक नाम है और वो क्या है वो है केलसी ठीक है अगर विटामिन ए की बात करूं तो यह हो जाएगा आपका रेटिनॉल अगर विटामिन सी की मैं बात करूं तो यह हो जाएगा आपका एस्कोरबिक एसिड पर कोई नहीं जो तुम क्लास में हो एग्जाम भी तुम ही निकालोगे ये बात भी सही है तुम्हारे अलावा कोई और एग्जाम निकालेगा भी नहीं ये बात भी बिल्कुल सही है सत्रिया का जो आ, संस्थापक है वो है शंकर देव कौन है वो है शंकर देव यह याद रखना ठीक है ठीक आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता जल ग्रहण का मतलब समझते हो मतलब इनमें से कौन से राज्य से यह नदी नहीं बहती है ना इनमें से कौन से राज्य से यह नदी नहीं बहती ई है टोको फेरोल अगर विटामिन ई की बात करें तो यह हो जाएगा आपका टोको फेरोल ठीक है क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका टोकोफेरोल याद रखिएगा ठीक है, है के का है फिलोक्विन का क्या है का है फिलोक्विन एक बात और याद रखिएगा और वो ये कि जो विटामिन बी और सी है ये जल में घुलनशील हैं और ए डी ई और के ये जो हैं ये आपके बसा में घुलनशील हैं तो कई बार पूछा जाए यकृत में घुलनशील कौन से हैं क्योंकि वहां बसा होती है फैट तो वहां है आपका ए डी ई और के और बी और सी जो है वो है आपके जल में घुलनशील जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सब्जी को काटने के बाद अगर आप धुलते हैं तो उनमें से कौन से विटामिन निकल जाते हैं तो अगर सब्जी को काटने के बाद अगर आप धुलोगे तो उनमें से विटामिन बी और विटामिन सी निकल जाएगा ठीक है यह याद रखना इनमें से कौन सा यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो याद रखना यह पंजाब है जो नहीं आता है बाकी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बंदरपुच्छ से निकलती है ना और राजस्थान अच्छा इसे एक बार देख लूंगा मैं ना पंजाब में तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है ठीक है और बंदर कुछ कहाँ उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश के ऊपर है यहाँ भी नहीं होना चाहिए था ये चलो इसे मैं देख लूंगा इसे रहने दो अभी ना ठीक है बढ़िया बहती है सही कह रहे हैं, है ना हाँ बहती है ठीक है हिमाचल प्रदेश से जो है ये बहती है बिल्कुल ठीक है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंजाब पंजाब से नहीं बहती है राजस्थान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से ये बहती है है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक है जिससे जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं बताओ जरा अनुच्छेद ए इक्यासी और इक्कीस ए इन बीच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी आर गिविन पूछ रहा है इनमें से किस में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान जो है ये दिए गए हैं वो बताओ किससे दिए गए ठीक <laughs> बढ़िया ठीक है है ना मौलिक कर्तव्य के बारे में इनमें से तो कौन से आर्टिकल में है ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी वन ए मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है <laughs> मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार यार तुम भी छियासीवे संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 ए जोड़ा गया है ठीक है किसमें फंडामेंटल हिंदी में लिखू ना अंग्रेजी तुम्हारी समझ में नहीं आती मौलिक अधिकार में किसमें मौलिक अधिकार में ठीक है अगर मैं फंडामेंटल कर्तव्य की आ, मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो 51 वन में है। किस पार्ट में पार्ट फोर ए में कौन सी समिति ने इसे शामिल कराया है तो वो समिति है स्वर्ण सिंह समिति क्या है वो है स्वर्ण सिंह समिति अगर बात की जाए कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं तो बयालीस में संविधान संशोधन 1976 से बयालीस में संविधान संशोधन 1976 से ठीक है 18 आपके फंडामेंटल राइट में है ना इसमें है आपका उपाधियों का अंत है उपाधियों का अंत है इसमें इसमें क्या है इसमें याद रखिएगा आपका शिक्षा का अधिकार छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा यह हो जाएगा ठीक है आगे याद रखिएगा सिपाही बैच है आपके लिए क्रैश कोर्स है यूपी पुलिस 2023 के लिए 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है फौजी बैच है आपके लिए लाइव ये याद रखिएगा ठीक है यहां पर याद रखिएगा लाइव क्लास है क्लास नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी डाउट सेशन सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी थ्री में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है ठीक है इसमें भी याद रखिएगा यहाँ लाइव क्लास क्लास रोड एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन है ये नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं ऑफर 10 जनवरी तक है 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो में तो आया ही है पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा रिपीट होगा भारत में हिम तेंदुआ परियोजना जो है ये इसकी शुरुआत इनमें से कब की गई है वो पूछ रहा है 2012, 14, 6 और 9. स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन कब स्टार्ट हुआ है वो पूछ रहा है, है ना भारत में हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड जो है ये परियोजना कब शुरू हुई है ठीक अच्छा इसके लिए और कुछ नहीं इतना ही है हाँ ठीक है बताओ जरा कब स्टार्ट हुई है <laughs> मनीष राव क्या एक लिख रहा है कि क्या मैं क्वेश्चन जो रोज करवाता हूँ उन्हीं को पढ़े तो हो जाएगा बेटा जीएस तो हो जाएगी पर दिक्कत ये है ना कि सिर्फ क्वेश्चन से ना होगी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मानता हूँ मैं क्वेश्चन मिल जाएंगे पर जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा करा रहा हूँ या फिर मैं जो कह रहा हूँ लिख लो अगर इसे नहीं लिखोगे तब समस्या भारी है है ना मतलब अगर जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ या मैंने जैसे अभी बुक लिखवाई उनको बुक को मैं दोबारा नहीं लिखाने वाला आज आखिरी नहीं इसके बाद किसी और की बुक जरूर लिखाऊंगा पर वो भी नहीं लिखाने वाला तो अगर वो लिख बुक या उसके अलावा जो बुक है उनको अगर या जो भी मैं बता रहा हूँ कि इसे लिख लो बहुत ज्यादा ज़रूरी है ये एग्जाम में आएगा ही आएगा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप उतना कर लेते हो उतना लिख कर जाते हो तो हाँ यकीन मानो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा और तुमने क्लास में ना किया हुआ तय है ये क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 2009 आगे एक पुस्तक है और जिसका नाम है देखो अब यहां पर जो मैं बुक लिखाऊंगा यह क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखाने वाला तो याद रखना क्वेश्चन में पंद्रह क्वेश्चन सही कैसे करें पढ़ के भाई एक रास्ता मंत्र होता तो मैं दे देता है ना या कोई ताबीज होता तो मैं तुम्हारे गले में बांध देता कि लो बच्चे मतलब जाओ क्या ही है हो जाएगा पढ़कर ही होगा है ना क्लास करो जो बता रहा हूं उसे लिखो जब कह रहा हूं कि इसको रिवाइज करो तो करो तभी होगा वरना भूल जाओ ठीक पुस्तक है पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक इनमें से कौन है रुचिर शर्मा रघुराम राजन पी चिदम्बरम जयराम रमेश हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड है ना बताओ जरा यह पुस्तक है किसकी देखो यहां पर एक व्यक्ति है रुचिर शर्मा इनकी बुक आपके एग्जाम में आती है और मैं वो लिखा रहा हूं उसे ध्यान से लिख लो हां इस बार कोशिश करूंगा मैं अच्छे से लिख सकू है ना एक याद रखिएगा एक है आपकी ब्रेक आउट नेशंस ठीक क्या ब्रेक आउट नेशंस एक है डेमोक्रेसी ऑन रोड ठीक इसके अलावा याद रखिएगा द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस तुमको ये ई ना लगे इसलिए fall ये रहा ठीक है इसके अलावा याद रखिएगा व्हाट बैंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म सी ए पी आई टी एल आई एस एम है ना ये याद रखना एग्जाम में आएगी ठीक है इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये क्या है ये हो जाएगा आपका रघुराम राजन क्या हो जाएगा रघुराम राजन रघुराम राजन की एक बुक और है और वो याद रखिएगा फॉल्ट लाइंस कौन सी फॉल्ट लाइंस जो है ये बुक है एक किसकी रघुराम राजन की <laughs> किसकी अरे इसे हिंदी में कैसे लिखूं दिमाग खराब आएंगे तुम्हारे तो सॉरी मतलब क्या हो गया तुमको मैं इसको हिंदी में कैसे लिखूंगा ब्रेक डाउन ऐसे करके लिखूं चलो ये तो समझ में आता ही है, ब्रेक डाउन लिख दूं मैं ठीक है और बाकी की चीजों को कैसे लिखूं ऐसे डेमोक्रेसी बात तो वही है वो अंग्रेजी में है हिंदी में हद दो रखी बिल्कुल जैसे अंग्रेजी करोगे ही नहीं ठीक चलो अगला क्वेश्चन देखते क्वेश्चन है आपका खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था इन क्षेत्रों को किस नाम से जानते थे आ, जैसे आ, जो खिलजी शासक थे और जो तुगलक शासक थे दोनों है ना खिलजी शासक थे और तुगलक शासक थे दोनों को लेकर अगर बात की जाए तो जो इन्होंने जो भी क्षेत्र थे इनके वहां पर इन्होंने गवर्नर नियुक्त किए थे तो जिस क्षेत्र में इन्होंने गवर्नर नियुक्त किए थे उस क्षेत्र को क्या कहते थे जैसे मान लो इनमें से किसी एक का क्षेत्र ये है है ना जिस पर ये शासन कर रहा है ठीक है इसमें उन्होंने कुछ क्षेत्र बांट दिए जैसे ये क्षेत्र बांट दिया एक ये बांट दिया ठीक है तो ये एक दो तीन चार पांच और छह ये छह छे क्षेत्र हैं जो उसने बांट दिए यहां पर एक गवर्नर है एक गवर्नर यहां है इसी तरह से एक गवर्नर यहां पर है, ठीक है यहां है और एक है यहां पर ठीक है और एक है यहां है ना तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या कहेंगे इसको तो कहेंगे इक्तादर. इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे इक्तादार ये क्या है ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे ये जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे एकता क्या बोलेंगे यह जो क्षेत्र है यह जो क्षेत्र बचाइए इसको क्या बोलेंगे इसको कहेंगे एकता क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे एकता ठीक है एकता नहीं गधेड़े एकता ठीक क्या बोलेंगे इसको कहेंगे एकता ठीक चलो आगे देखो औरंगजेब ने फ़िलिंडा ब्लैंक्स में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशता खर्च कर दिया था इनमें से कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अंग्रेज जो औरंगजेब था उसने अपने वित्तीय और सैन्य संसाधनों को समाप्त किया लड़ते हुए उस क्षेत्र में लड़ते हुए वो बताना वो कौन सा ठीक अच्छे खासे मोड़ की बैंड वे जा रहे हो तुम भी आर्टिकल आ, सर्च करो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एस एस सी मेकर यूट्यूब पर आपको मेरी क्लास मिल जाएगी मैंने ही कराई है है ठीक इनमें से कौन से क्षेत्र में उसने सबसे ज्यादा मतलब इसमें से कौन सा क्षेत्र है जिसको कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने अपना सारा पैसा लगा दिया था है सारा सारे संसाधन लगा दिए थे वो है दक्कन कौन सा वो है दक्कन ये याद रखना ठीक आगे देखो ऊन उद्योग में छटाई करता कभी कभी फिलिंदा नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते मोस्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि तुमको नहीं आता इसलिए क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गया तो तुमसे सही नहीं होगा इसलिए क्योंकि इसे देखने के बाद तुम्हारे हाथ पैर फूलेंगे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे ध्यान रखना ऊन उद्योग में छटाई करता कभी कभी फिलिंदा नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सार्टर डिसीज जो सार्टर डिसीज है ना ये एक घातक रक्त रोग होता है मतलब एक रोग है जो मतलब खतरनाक रोग है और रक्त रोग है मतलब खून का रोग है मतलब ब्लड में लगता है ये रोग पूछ रहा है कि इनमें से किस एक जीवाणु से होता है इनमें से कौन सा जीवाणु है जो सार्टर डिसीज़ के लिए जिम्मेदार है वो बताना एक ने लिखा है सर मुझे कब कप कपी हो रही है मैं तुम्हें तो ब्लॉक कर दूंगा तो तुम्हारी कब कप कभी दूर हो जाएगी क्या कहते हो करें दूर <laughs> मेरे को तो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों की मदद करना इसके लिए जो सही जवाब हो, 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 हो जाएगा आपका एंथ्रेक्स याद रखना एंथ्रेक्स के कारण होता है सॉर्टर डिसीज है ना और ये जो जिन लोगों को ये डिसीज होती है वो मोस्टली काम कहां करते हैं ऊन उद्योग में कहां पर वो काम करते हैं ऊन उद्योग में ठीक है याद रखोगे डन चलो यह थी आपकी आज की क्लास उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए याद रखिएगा यह है आपके पास यूपी पुलिस 2023 के लिए क्वेश्चन ठीक मिलेगा आपको सिपाही बैच क्रैश कोर्स में 100 परसेंट सिलेक्शन के लिए 250 में आप इसे कर सकते हैं, 10 जनवरी तक यह वैलिड है, है क्लास, क्लास क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी ये याद रखिएगा एस एस सी जी डी दो हजार तेईस चौबीस के लिए आपके पास फौजी बैच है लाइव चला थ्री नाइन नाइन में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास क्लास नोट सकती पर मिलेंगे सारी क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से होंगी ठीक है मैथिन तो के लिए रोज रात आठ एकदम बेसिक से क्लास होती है इंपॉर्टेंट क्लास, कि कम कम क्लास है आपकी तो इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी यह कुछ लिंक है जैसे यह है आपका ऐप का लिंक इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस बॉक्स में आप अभी ऊपर पिन किया गया यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहां मिलेगा आपको डेली क्विज मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ठीक है आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया अब ये एक्स है <laughs> मतलब हम भाई बात कर रहे हैं ठीक है और आप हमें टेलीग्राम ये आपका टेलीग्राम चैनल है इस पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा यहां पर मिलेगा आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन क्लास से रिलेटेड जो भी नया कुछ आएगा वो आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो वो सब आपको यहीं प्रोवाइड कराया जाएगा ये है आपके अपने परिवार एस एस मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके आज की क्लास के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत